ए, किसने चिकर है? ए, तुझे देखकर थोड़ी चिंगा, तेरा नाक टूट जाएगा। सुबह सुबह मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तब कोई चिकता है क्या? ऐसी बात नहीं है भैया, तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो इसलिए चिकर हमने बुलाया, तुमसे बात करने के लिए। तुम्हारे क्लासमेट है ना हम लोग। मेरा क्लासमेट हो तुम लोग? पांचवीं तक पढ़ने वाले मेरा क्लासमेट बन गया क्या? अब मैं इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तुम्हें पता है। आईटीआई कर लिया तो बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया। चुप करना, क्यों उसका दिमाग खराब कर रहा है? चल चाय पी ले भाई। मुझे नहीं पीना। चल पी लेना, मेरे खातिर पी ले। मतलब तुम लोग मुझे चाय पिला के मुझे अपनी तरह आवारा बनाना चाहते हो क्या? अरे टाइम इज मनी, आई डोंट वेस्ट माय टाइम। मैं एक मिनट भी फालतू नहीं गवाना चाहता। ऐसी बात है तो निकल यहाँ से। जाओ भैया, यही घर है। कितना हुआ? मैं देता हूँ। नहीं चाहिए, रहने दो। बेटी चित्रा, कितनी देर कर दी? बस लेट हो गई थी क्या? हाँ मामी, रास्ते में गाड़ी बहुत बार पंचर हो गया था। हे भगवान, कितनी तकलीफ हुई होगी मेरे बच्चों को आने में। चल चलते हैं। अरे रुको, क्या चक्र चक्र चकोरी हो? ये मेरी भांजी चित्रा है। ओ, इसके नाम की तरह ये भी बड़ी अजीब है, चित्रा। कितने खूबसूरत दूज की चांद की तरह है। वो इसलिए मैं इसको अच्छा सा घी, अच्छा सा दूध पिला के पालती हूँ, इसलिए इतने खूबसूरत है। यू मीन खाते पीते घर की है? You see, Miss Chitra, he's Golu, ninth class. He's Mr. Raju, ten times fail. Or my Mr. Devanam, engineering specialist in electrical. ITA. Thanks. ये सब मुझे कैसे पता होगा? क्या बात कर रही हो आंटी, तुम्हारे पास तो चित्रा है और चित्रा के लिए हम है। ए बाजू हट, तुझे क्या करूँगी मैं, इसे अच्छे से घर में देना चाहती हूँ। Definitely. उस लायक तुम्हारे पीछे खड़ा है। खड़ा है। ये क्या है, अभी तो तुम बाजू में खड़े थे, अभी भी पीछे खड़े हो। वो क्या है ना कि वक्त को देखते हुए ये बात करना पड़ता है। चलो चलते हैं। अरे मेरी चित्रा, इस दिल में कब एंट्री करेगी? मेरा तो चैन लूट लिया, अब मैं सीधा उधर ही एंट्री दूंगा। दीदी दीदी, आपका 5 रुपया गिरा है। मेरा नहीं है। ओ, मुझे पता नहीं था, सॉरी दीदी। सॉरी क्यों? तेरे जैसे ईमानदार कोई है क्या? ये पैसा तू ही रख ले, तुझे मिला है ना, तो तेरा ही हुआ ना, मेरा सोना राजा बेटा। बाय दीदी। बाय। अरे कितना प्यारा सीन था, कितना कस कस के पप्पी लिया है। अबे तेरा दिमाग दिल की जगह पर आ गया क्या? किसका? हाँ, तू एक काम कर, जाके उस बच्चे को किस कर ले। ऐसा क्या? ये ले 300 रुपए, तू शर्ट का तू रख ले। अच्छा, तो फिर मेरी बात सुन। और क्या बात है? अरे सुन ना, तू एक काम कर, चित्रा के पास अंगूठी लेकर जा और अपने प्यार का इजहार कर। वही तो सचमुच में तुझे इस तरह किस लेना होगा। कितना शानदार आइडिया है। चित्रा चित्रा चित्रा, क्या है रे, गधे की तरह चिल्ला क्यों रहा है? चित्रा किधर है? बाथरूम में है। बाथरूम किधर है? ए रुक, कहाँ जा रहे गधे की तरह भागते हुए? चित्रा से मिलने के लिए। क्यों मिलना है? चित्रा तुमने नहा लिया, मुझे भी बाथरूम में जाना है। क्या बात है, रोड पे अंगूठी मिली है तेरी है क्या? बोल। अरे अरे क्या बोल रही है, ये अंगूठी तो मेरी है। बाजी पलट रही है, चित्रा का है। हाँ हाँ, ये रिंग चोरी हो गई थी, पुलिस में कंप्लेंट की थी, लेकिन तू क्यों घबरा रहा है? आम की जगह गुटली हाथ में आ गई इसलिए। तो क्या हुआ, तेरे जैसा अच्छा इंसान कहाँ मिलता है? इस जमाने में अभी भी तेरे जैसे अच्छे इंसान मौजूद है। अच्छा बेटा, तू अंदर जा। अरे वाह, कोई नहीं है। चित्रा चित्रा, कोई नहीं है तो चित्रा 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 से क्या काम है? मुझे उससे खास बात करनी है। किस लिए? मुझे इंटरव्यू में जाना है मौसी, इसलिए आशीर्वाद दो मौसी। कबाब में हड्डी। इससे तुम आम कटवा रही हो? ये क्या कर रही हो तुम चित्रा? अचार के लिए आम काट रही हूँ। मौसी, तुम्हारे अंदर अकल है क्या? जो तुम चित्रा से काम करवा रही हो वो तुम्हें काम करने वाली दिखती है। मुझे क्या करना है, तू जो अपने काम से आया ना उससे मतलब रख। ये मैं देख नहीं सकता। देख नहीं सकता तो बाहर चला जा, नहीं तो बैठ के काट ले। मेरी प्यारी चित्रा, कितनी मेहनत कर रही हो। मेरी चित्रा, बाजू हटो, वो सब इस तरफ देना,
किस लिए? फटाफट मैं काट देता हूँ। क्या कहा? मैं आम के टुकड़े टुकड़े करने को कहा। क्या जरूरत है, मैं खुद कर लूंगी। तेरा हाथ बटाने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है प्यारी चित्रा। हाथ बटाओगे क्या? आधा घंटा में काट के फेंक दूंगा, तू सामने बैठ के देखती रह। जरा बैठ बैठ के देखना। दिल में कोट लेने वालों का अक्सर यही होता है। क्यों चिल्ला रहे हो? अपने आप से काटा है ना, देख के नहीं कर सकते थे क्या? पापियों को भगवान ऐसी ही सजा देता है। मेरा हाथ बटा रहा था ना ये। देखा है, बहुत हाथ बढ़ाने वाले, दिल में खोट रखने वालों का यही अक्सर होता है। कोशिश किया तो मुझे गलत ठहरा रही हो। अरे अरे रोती ठीक हो जाएगा। चित्रा से अभी क्या काम रह गया है तुम्हारा? अरे आज मेरा बर्थडे है इसलिए मैं मिठाई लाया हूँ। लो लो खाओ, खा लो। चित्रा चित्रा अरे चित्रा लंगड़ा क्यों रही है? अरे बेटा उसका पैर भारी हो गया। क्या पाँव भारी हो गया? ऐसा कुछ नहीं, कल रात को बाथरूम में साबुन के ऊपर से गिर गई थी। ऐसा? बहुत चोट लगी। तेरे साथ क्या हादसा हो गया? तुझे कहाँ कहाँ लगी? मरहम कहाँ है जल्दी से बताओ। मैं मरहम लगाता हूँ, घबरा मत। नहीं नहीं छोड़ दो चित्रा, इससे किसी भी तरह का चोट ठीक हो जाता है और तुम्हारी इस चोट के लिए ये मरहम बिल्कुल ठीक है। अब तुम अपना राज्य करने में माहिर है, जल्दी ठीक हो जाएगी, करवा ले। आप अंदर जाकर अपना काम करो। यहाँ 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 पर यहाँ चिल्ला क्यों रहे हो? लगता है कि खून की धारा प्रवाह तेज हो गई है। तुम्हें कुछ कुछ हो रहा है? नहीं क्या तो, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं होता? लेकिन तुम तो डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग देती हो। अब रहने भी दो, मेरा ये चोट वो ठीक कर देगा। कोई और कर देगा? फिर ये कौन करेगा? किरण। किरण कौन है वो? अपनी सहेली का नाम ले रही हो? बिल्कुल नहीं, किरण मतलब हमारे डांस ट्रुप का डांस टीचर हुआ करता था। मैं उसे बहुत प्यार करती थी। प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर भी प्यार से डरता था हमारा दिल। उस तूफानी रात को मैं नहीं भूल सकती। तुम्हें उसकी बहुत याद आ रही है, फ्लैशबैक बहुत अच्छा लगता है क्या? चाह कर भी मैं भुला नहीं सकती। हम दोनों के प्यार को पता नहीं किसकी नजर लग गई। हम दूर होते गए फिर अचानक जिंदगी भर के लिए बिछड़ गए। फिर क्या हुआ? बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं पर नहीं मिला। शहर शहर गली गली ढूंढती रही लेकिन वो कहीं पर नहीं मिला। कितनी दर्दनाक कहानी है तुम्हारी, तुम दुखी मत हो। प्यार के लिए क्या क्या किया? किरण को अब छोड़ो, मुझे याद करो। किरण को सोचकर तुम इस तरह दुखी मत हो चित्रा, तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारे पास हूँ। अरे इस बुढ़िया को भी अभी गिरना था। अरे बैठे बैठे क्या देख रहा है, जल्दी से मरहम लाओ, मुझे लगा दे। मैं लाऊं तुम्हारे लिए? जल्दी करो मरहम। अरे देखो तो कैसा है, भाग गया। ए, देख बढ़िया से सजावट कर ताकि सुंदर लगे, समझा ना? अब यहाँ से जाओ तो मैं कुछ करूँ? अरे मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना करो ना, मैं देख रहा हूँ कि कोई कमी ना रह जाए, समझ गए ना? ठीक है जाओ ना, मेरे बाप काय के लिए दिमाग खराब कर रहे हैं, चले आते भाषण। ए, तुम उधर खड़े हो क्या कर रहे हो? चलो जल्दी काम करो। ए, ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? सेटिंग हो रहा है। ये बल्ब किस लिए? वो तुम नहीं समझ पाओगे, मेरी काम की चीज है। ये खराब है रे। क्या कहा? अरे ये बल्ब बहुत पुराना है, कितने दिनों से ऐसे ही बेकार पड़ा है। पुराना हो या नया हो, हाई वोल्टेज का पावर हाउस मेरे सामने आ रही है। ए रुको, तुझे तो ठंडी लग रही है मगर मुझे तो गर्मी लग रही है। मुझे बहुत काम करना है। जा करो। मैंने उसके अंदर से फैला करंट पास करवाया, ये सब टेक्नोलॉजी मैं जानता हूँ साहब, मैं कहीं से भी करंट पैदा कर सकता हूँ। अरे मैं आ रहा हूँ। जादूगर पीसी सरकार को बल्ब जलाते देखा है, इसने कैसे बल्ब जला दिया रे बाबा? इधर ही रखो, मजबूती से पकड़ो, हाइट का प्रॉब्लम है, पकड़।
मजबूत पकड़, इधर वायर लगा के करंट सप्लाई देना है, अच्छे से पकड़ना। ए तुम थोड़ा उधर बाजू हटो। अरे तू? मैं ठीक हूँ। हाँ तो सबको पानी और गुड़ पिलाने का इंतजाम करो। अच्छा सर। अरे कमीने, साठा में पाठा बनकर लड़की पटा रहा है तेरी तो। ये क्या, इंसान है या बेवकूफ? आपकी उम्र देख के मैं कुछ नहीं बोल रही थी, अकल है कि नहीं आपके पास? मैंने किया कब? क्या कह रही तू? अरे तू है? अरे किधर जा रहा है? रुक रुक, अरे रुक रुक, अरे लड़की को छेड़कर मुझे फंसाता है। अरे तूने उस लड़की को छेड़ा, शर्म नहीं आती? अरे मैंने कहा छेड़ा? छेड़ तो आप रहे थे। अरे देखो इसे, ये हवा में कैसे लटका हुआ है। वो क्या है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। देखो स्टूल के बिना कैसे हवा में लटक रहा है वो। ऐसा कैसे हो सकता है? डाउट है क्या? आवाज देख देख। भैया क्या है, काम कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा है? अनपढ़ गवार जाहिल हो। तेरे नीचे का स्टूल कहाँ है? स्वामी नाग देवता, ये मेरे सपनों का मंगलसूत्र है। जो मेरी जिंदगी में आएगा वो कौन है मैं नहीं जानती। एक बार उसको मेरे नजरों के सामने ला दे। ये मैं तुम्हारे चरणों में रखकर मेरी मनोकामना पूरे करने की आशीर्वाद मांगती नाग देवता। आए, देखा क्या? ये मंगलसूत्र जो है ना, मैं उसे पहनाऊंगा। ए, क्या ये? कौन हो तुम? ये भगवान की आज्ञा है, ये मंगलसूत्र मैं तुझे पहनाऊंगा। अरे ये क्या है? तुम्हें कौन है? हाँ? ये क्या कर रहा है? अरे कोई बचाओ मुझे! अकेले समझ के मंगलसूत्र बांधने की सोच रहे थे क्या? अरे तू मर जाएगा रे! मैं नहीं, मरने वाले तुम लोग हो। जैसे स्वामी, रामा स्वामी, कुकु स्वामी, कुमार स्वामी, वेंकटेश स्वामी, डबल स्वामी और नारायण स्वामी, इन सब जादू मैं जानता हूँ। इसकी रक्षा करने के लिए सब ठीक कर, इस दुनिया में आने से पहले मैं माहिर खिलाड़ी बन चुका हूँ। मेरा नाम है देवानंद स्वामी। चलो बांधो, चलो बांधो, बांधो, बांधो। घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ पर कुछ मांगने के लिए आई थी ना? सांप किधर है?